हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कोरियन हर्बिसाइड के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, कॉर्टेवा कंपनी का कोरियन हर्बिसाइड को धान की फसल में कब डालना चाहिए, धान लगाने के कितने दिन बाद डालना चाहिए और इसका कितना डोज होता है, कितनी इसकी प्राइस होती है, कितना एक एकड़ का इसका खर्च देखने को मिलता है, ये कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोरियन हर्बिसाइड एक न्यू जनरेशन का हर्बिसाइड है जो कि सभी घासों को नहीं उगने देती है, जैसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती के खरपतवार हो, मोथा घास हो या फिर किसी भी प्रकार के खरपतवार हो, इसको डालने के बाद में कोई भी खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होता है और ये लंबे समय तक काम करता है। दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो कि सभी घासों को कंट्रोल करके रखती है और लंबे समय तक काम करती है। दोस्तों इसका प्रयोग करने के बाद में कम से कम 30 से 40 दिन तक किसी भी प्रकार का घास नहीं निकलता है इसको डालने के बाद में। इसके प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों धान लगने के 0 से 7 दिन के भीतर में आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के विधि के बारे में बताएं तो दोस्तों इसको आप 5 से 6 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर 1 एकड़ में डाल सकते हैं। खेत में डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। पानी कम से कम 2 से 3 इंच का होना जरूरी होता है, क्योंकि पानी रहता है तो दवाई अच्छे से काम करती है। जैसे ही दवाई को पानी के अंदर डालते हैं, खेत के अंदर डालते हैं, तो पानी के ऊपर यह दवाई एक लेयर बना लेती है और वो लेयर नीचे जो भी हर्बिसाइड्स के बीज हैं, जो भी घास के बीज पड़े हैं, उनको जर्मिनेट नहीं होने देती है, उनको बाहर ही नहीं निकलने देती है यह दवाई। इसमें 2 टेक्निकल कंटेंट होने की वजह से यह टेक्निकल और भी ज़्यादा खास बन जाता है और परफेक्ट तरीके से काम करता है। इसमें पहला टेक्निकल पिनक्सुलम 0.97% और दूसरा ब्यूटाक्लोर 38.8% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसमें 2 टेक्निकल होने की वजह से ये घासों को अच्छे तरीके से नियंत्रित करके रखता है और इसमें सबसे खास बात यह होती है कि इस दवाई को डालने के बाद में धान पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं तो बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जिससे कि दवाइयाँ डालने के बाद में धान पर झटका भी आ जाता है, लेकिन दोस्तों यह दवाई एक ऐसी दवाई है जिसमें धान पर कोई असर नहीं पड़ता है। डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका डोज 800 ml की बोतल आती है, 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, लेकिन काम भी इफेक्टिव तरीके से करता है। 1 एकड़ का खर्च लगभग 800 रुपये से 900 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। दोस्तों महंगा जरूर है, लेकिन काम भी अच्छा करता है। इस दवाई में कंडीशन यही होती है कि दोस्तों पानी का जो लेवल है वो बराबर होना चाहिए, पानी बराबर होना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए। यदि पानी सूख जाता है तो दवाई उतनी अच्छे से काम नहीं करती है, इसलिए पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।